हेलो व्यूवर्स, मायसेल्फ श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों लेटेस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर 2020 का, कौन से कंपनी को, किस प्लेयर को बनाया गया, किस खिलाड़ी को बनाया गया। दोस्तों, यह क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली करंट अफेयर में पूछा जाएगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए। आई होप इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के एक छोटे से इंट्रो के बाद इस वीडियो को शुरू करते। तो पहला देख लेते हम लोग दोस्तों 2020 का ब्रांड एम्बेसडर। पहला क्या है दोस्तों, IIFL फाइनेंस। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था दोस्तों, रोहित शर्मा को दोस्तों। तो इसके बारे में हम थोड़ा रीड कर लेते हैं दोस्तों। IIFL फाइनेंस क्या है, तो इसका मीनिंग है दोस्तों इंडिया इन्फो लाइन। द कंपनी हैज लॉन्च 30 सेकेंड्स मैसेज टाइटल। टाइटल का नाम क्या था दोस्तों, रोहित शर्मा की सीधी बात। अंडर इज फर्स्ट एवर कैंपेजिंग सीधी बात विथ रोहित शर्मा, विच इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज एडवाइस पीपल ऑन सेफ्टी गाइडलाइंस एंड रूल्स टू फॉलो ड्यूरिंग लॉकडाउन टू फाइट COVID-19 आउटब्रेक। दोस्तों, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है, या तो उस कंपनी का नाम दे के प्लेयर पूछ सकता है, या प्लेयर का नाम दे के उस कंपनी का नाम पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ELSA Corp, तो दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, अजिंक्य रहाणे को दोस्तों। किसका, अजिंक्य रहाणे को बनाया गया दोस्तों। अब ELSA Corp के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग। क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन इंडिया, अ ग्लोबल एडुटेक कंपनी, हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अजिंक्य रहाणे द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया मिडल ईस्ट ANZNSAARC। ओके दोस्तों, अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आरोग्य सेतु ऐप का, तो दोस्तों उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया दोस्तों, अजय देवन को। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे तो आपको पता होगा यह एडवर्टाइजमेंट में अजय देवन आते हैं। इससे आप कोविड के, अगर आपके पास दूरी में है तो इस एप्लीकेशन के द्वारा हम कोविड पेशेंट्स को एटलीस्ट पता कर पाते हैं कि कितने मीटर दूरी पे, एक इस एप्लीकेशन के द्वारा हम देखेंगे कि उस पर्सन पे कितने किलोमीटर दूरी पे एक कोविड पेशेंट है दोस्तों। अब बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्रिक किंगडम, तो दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था दोस्तों, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा हम रीड करेंगे। इंडियाज लिमिटेड ओवर वाइस कैप्टन रोहित शर्मा हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम क्रिकेट एकेडमी बेस्ड हियर, विच विल ऑल्सो फैसिलिटेट कोचिंग थ्रू इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आफ्टर द ग्लोबल COVID-19 पैंडेमिक सब्सिड्स। ओके दोस्तों, अब बढ़ते पांचवें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड फंड इन द एनवायरमेंट, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था दोस्तों, विश्वनाथ आनंद को दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा रीड करेंगे दोस्तों। क्या है, 5-time वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद हैज जॉइन WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम दोस्तों। ओके, अगर वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एनवायरमेंट पूछा तो दोस्तों उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था 2020 का, विश्वनाथ आनंद दोस्तों। बढ़ते छठे क्वेश्चन की तरफ। पोकर स्टार्स इंडिया, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी। अब पढ़ेंगे क्या है दोस्तों पोकर स्टार इंडिया। महेंद्र सिंह धोनी ऑनलाइन पोकर पोर्टल पोकर स्टार्स इंडिया हैज अनाउंस क्रिकेटर एंड फॉर्मर कैप्टन इंडियन टीम महेंद्र सिंह धोनी एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। ओके, अब बढ़ेंगे सातवें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। BWFSIM बैडमिंटन कैंपेजिंग, तो दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, PV सिंधु को दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा रीड करेंगे हम। IIM बैडमिंटन कैंपेजिंग विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लेयर्स टू एक्सप्रेस देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द गेम बाय प्रोमोटिंग क्लीन एंड ऑनेस्ट प्ले दोस्तों। ओके, अब आठवां क्वेश्चन है दोस्तों। पेप्सिको, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था दोस्तों, सफाली वर्मा, जैसा कि ये क्रिकेटर है दोस्तों। तो इसके बारे में आप थोड़ा रीड करेंगे। सफाली वर्मा हु हैज स्टार्टेड इन इंडियाज रन टू ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल हैज बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी द सॉफ्ट ड्रिंक गिगेंट अनाउंस दोस्तों। ओके, अब बढ़ेंगे नौवे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मोबाइल प्रीमियर लीग, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों MPL भी बोलते हैं, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, विराट कोहली।
आपको पता होगा इसके अंदर सब प्लेयर चूज करते, उसके बाद उस टीम पे हम लोग आप अपने साइड से इनकम लगाते, अगर आप जीत जाते तो आपको पैसे भी मिलते अच्छे खासे दोस्तों इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो अब रीड करेंगे थोड़ा। मोबाइल प्रीमियर लीग MPL इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म टुडे अनाउंस इट्स साइनिंग ऑफ इंडिया स्कीपर विराट कोहली एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों अब बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। जिंदाल साउथ वेस्ट JSW स्टील, ओके, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था दोस्तों? ऋषभ पंत को। अब इसके बारे में थोड़ा रीड करेंगे हम दोस्तों, क्या है। जिंदाल साउथ वेस्ट JSW स्टील हैज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। पंत विल हेल्प प्रमोट JSW स्टील प्रोडक्ट विच इंक्लूड कलर ऑन कलर कोटेड सीटेड एंड JSW न्यू स्टील TMT दोस्तों बार्स फॉर 3 ईयर पीरियड, ओके। अब बढ़ते 11वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर कौन था दोस्तों? शार्दुल ठाकुर दोस्तों, यह भी क्रिकेटर है। अब इसके बारे में टाटा पावर के बारे में थोड़ा रीड करेंगे। टाटा पावर इंडियाज लीडिंग पावर यूटिलिटी है साइंग ऑन द इंडियन क्रिकेट टीम फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, ओके। बढ़ते 12वें क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? PV Sindhu दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। IQOO स्मार्टफोन, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था दोस्तों? विराट कोहली दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा रीड करेंगे, क्या है स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन ब्रांड IQOO हैज अनाउंस विराट कोहली हैज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। अकॉर्डिंग टू द कंपनी कोहली विल बी सीन इन इंटीग्रेटेड कैंपेज इन द फर्स्ट लेग टीजर फेज ऑफ विच इज ऑलरेडी लाइव ऑन द ब्रांड सोशल मीडिया हैंडल्स चैनल्स एंड फ्लिपकार्ट दोस्तों, ओके। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ब्लू स्टार कंपनी, तो दोस्तों उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, ब्लू स्टार क्या है। ब्लू स्टार दोस्तों एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेट मेजर ब्लू स्टार LTD हैज ड्रॉन अप एन एग्रेसिव प्लान टू रेज इट्स मार्केट शेयर बाय रोपिंग इन लीडिंग क्रिकेट विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर सेड अ टॉप ऑफिशियल दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। पूमा कंपनी का, जिसे आपको पता होगा स्पोर्ट्स का ब्रांड है, तो इसमें हम लोग दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील छेत्री। और भी नाम है दोस्तों इसमें, विराट कोहली, MC मैरी कॉम एंड द्विती चंद दोस्तों। अब बढ़ते 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नाडा, नाडा का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? सुनील शेट्टी। आपको पता होगा ये एजेंसी क्या करती है, अगर कोई भी डोपिंग लेता है तो जो बड़े लेवल पे मीट होते हैं उसके बाद उनका डोप टेस्ट किया जाता है। तो अब थोड़ा इसके बारे में रीड करेंगे हम दोस्तों। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। शेट्टी एक्सपेक्टेड इज एम्बेसडरशिप इन प्रेजेंस ऑफ MOS फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू, ओके। अब बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ला लीगा, ओके, अब इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा। अब ला लीगा का है थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ला लीगा द टॉप टायर ऑफ स्पेनिश क्लब फुटबॉल अनाउंस क्रिकेटर रोहित शर्मा इज ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। ही इज बिकम द फर्स्ट नॉन फुटबॉलर इन द लीग्स 19-year-old हिस्ट्री टू एंडोर्स द ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ट्रू सॉक्स, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा। अब इसके बारे में थोड़ा रीड करेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड ट्रू सॉक्स हैज रोप्ड इन इंडिया क्रिकेटर रोहित शर्मा हैज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। ट्रू सॉक्स विच हैज रिसेंटली एंटर इंडिया हैज बिकम द प्रीफर्ड सॉक्स ब्रांड फॉर टॉप इंटरनेशनल एथलीट अक्रॉस स्पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड दोस्तों। अब बढ़ते 19वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। फिट इंडिया, जैसे आपको पता होगा हाल ही में ये बहुत तेजी से ग्रो किया दोस्तों, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? शिल्पा अग्रवाल दोस्तों, ओके। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीज़ा, वीज़ा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? PV Sindhu। अब थोड़ा रीड करेंगे। PV Sindhu इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वीज़ा। PV Sindhu इज फीचर इन द न्यू ब्रांड कैंपेजिंग टैप टू पे विथ वीज़ा, टैप फॉर लाइव विथ वीज़ा द ग्लोबल लीडर इन पेमेंट टेक्नोलॉजी दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा आजकल जो ट्रेंडिंग है ऑनलाइन पेमेंट का एक ट्रेंड चला हुआ है दोस्तों, सब लोग ऑनलाइन पेमेंट ही पेमेंट करते हैं दोस्तों। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्ट स्पोर्ट्स, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? जसप्रीत बुमराह। अब थोड़ा हम इसके बारे में रीड करेंगे। फिट अनाउंस इट्स एसोसिएशन विथ इंडियन पेसर जसप्रीत बुमराह हैज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स प्रीमियम
सॉफ्टवेयर ब्रांड कल स्पोर्ट्स, वी आर हैप्पी टू एम्बार्क ऑन दिस कोलैबोरेटिव जर्नी विद जसप्रीत बुमराह दोस्तों। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ दोस्तों, पीएनबी मेटलाइफ। तो दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु दोस्तों। अब इसके बारे में हम रीड करेंगे। पीएनबी मेटलाइफ वन ऑफ इंडियाज लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टुडे साइंग ऑन इंडिया टॉप रैंक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर एंड ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु एज द कंपनी ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। ओके, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेड बस दोस्तों। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों। रेड बस द वर्ल्ड लार्जेस्ट बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म अनाउंस इंडियन क्रिकेट आइकन एमएस धोनी ब्रांड एम्बेसडर। धोनी विल हेल्प ऑल मेजर कैंपेजिन फॉर द ब्रांड अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म एंड विल सून अपीयर इन हिज फर्स्ट प्रोमोशनल कंसेप्ट फॉर द ब्रांड। ओके, ब्लास्ट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, मास्टर कार्ड। तो इसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी। अब पढ़ेंगे इसके बारे में दोस्तों, मास्टर कार्ड रोप्स इन महेंद्र सिंह धोनी इज इट्स ब्रांड एम्बेसडर टू एक्सिलेट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। महेंद्र सिंह धोनी हैज ज्वाइन मास्टर कार्ड ऑन गोइंग एफर्ट्स टू बिल्ड अ लेस कैश इंडिया दोस्तों। आई होप आपको मैं इस वीडियो से कुछ ना कुछ सिखा पाया रहूँगा। अगर सिखा पाया रहूँगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और एक बात दोस्तों, अगर मुझसे कोई नाम छूप जाता है 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन किस खिलाड़ी को बनाया गया, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।